उज्जैन के संभागायुक्त का विदाई समारोह और सम्मान समारोह आयोजित किया गया श्री सिटी प्रेस क्लब के द्वारा, जहां पर शहर के मीडिया कर्मी, श्री सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उज्जैन में संभागायुक्त रहकर उज्जैन जिले की व्यवस्था संभालने वाले आनंद शर्मा का स्थानांतरण भोपाल हो गया है। श्री सिटी प्रेस क्लब के कार्यकारिणी मेंबर और पदाधिकारियों की मौजूदगी में सम्मान समारोह और विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां पर उज्जैन के आईजी राकेश गुप्ता, उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, उज्जैन नवागत संभाग आयुक्त डीआईजी मनीष कपूरिया, उज्जैन एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सिटी प्रेस क्लब के सभी पत्रकार बंधु और सभी सम्मानित पत्रकार साथी, जो मनीष ने छक्के मारने शुरू किए मुझे लगता है कि पूरी महफिल को फॉर्म में ला मुलाकात होती रहती थी। जैसा आज इस सम्मान समारोह में माहौल है, निश्चित तौर पे आप सबने उनके प्रति अपना स्नेह दिखाया है, जो भावनाएं आपने प्रदर्शित की हैं, रहने वाला है। भाई साहब बताइए, किस प्रकार से आज का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था और किस प्रकार से क्या रहा? उज्जैन में जो कमिश्नर आनंद शर्मा जी थे, जो महाकाल भक्त हैं, वर्षों तक उज्जैन में रहे, मीडिया के दोस्त रहे, उनका आज विदाई समारोह था। वो भोपाल में मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार के रूप में पदोन्नत हुए हैं, तो हम सब साथियों ने, सिटी प्रेस क्लब के 100-150 पत्रकारों ने, ऐसे पत्रकार हैं कि जो मतदाता नहीं है, लिखने वाले पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता करते हैं उसका महत्व समझते हैं, उसके पत्रकारिता को अपने आचरण में रखते हैं, जैसे सिटी प्रेस क्लब के 150 साथियों ने आज हृदय से आनंद शर्मा जी का वेलकम किया, उनको जो है सम्मान किया उनका, वो काफ़ी खुश हुए। इस अवसर पे आज इंपीरियल होटल में कार्यक्रम था, तो पूरे संभाग के वरिष्ठ अधिकारी सिटी प्रेस क्लब के निवेदन पर यहाँ मौजूद हुए। 2 घंटे का बड़ा ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम आज हुआ, वरिष्ठ पत्रकार भी उसमें मौजूद थे, आईजी राकेश गुप्ता जी, नवागत कमिश्नर संदीप यादव जी, डीआईजी मनीष कपूरिया जी का जन्मदिन था फिर भी आए, और एसपी साहब सत्येंद्र शुक्ला जी मौजूद रहे। अच्छा कार्यक्रम हुआ। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।